हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आज प्रीशा का स्कूल में डांडिया है, तो प्रीशा को पूरा इंडियन वेयर पहन के जाना है। तो मैंने अभी प्रीशा को इतना सुंदर रेडी किया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लग रही है, इसको हाथ में डांडिया भी लेके जाना है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही प्रीशा। प्रीशा हाय करो, आओ खड़े रह के दिखाएगी। प्रीशा आओ। तो ये देखो प्रीशा, अपनी चोटी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। वाह देखो, मैंने इसको ये वाला बो लगाया है, फर्स्ट टाइम आज यूज आया ये बो। ऐसे बहुत सारे रखे हैं प्रीशा के पास, पर आज फर्स्ट टाइम। वाह प्रीशा, इतनी सुंदर, नाइस। वेयर इज योर डांडिया? डांडिया कहाँ है? डांडिया लो हाथ में। तो प्रीशा की ये डांडिया खोल दो, मैं खोल दो, खोलेगी। ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। आज इनको इंडियन वेयर पहनना था, ट्रेडिशनल। वाह वाह प्रीशा, नहीं सुंदर डांडिया प्रीशा की। वाह वाह हाँ, चलो लो हाथ में पकड़ के खड़े रहो तो फोटो खींचेंगे। ये देखो प्रीशा की डांडिया। वाह प्रीशा, कैसे खेलेगी डांडिया? इसमें खेल के दिखाओ, ऐसे खेलो, फिर से मारो। ऐसे नहीं, ऐसे आपस में, ऐसे एक दूसरे। हाँ मारो, ऐसे मारो, दोनों को मारो मारो मारो। हाँ मारो मारो, ऐसे नहीं, दोनों को। हाँ जैसे कर रही थी मारो। हाँ ऐसे, फिर से घूम जाओ, ले लो राउंड। हाँ चले, फिर से एक बार घूम के दिखाओ, जल्दी से जल्दी से। क्यूटी पाई। तो चलो अभी प्रीशा को लेके चलते हो, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ड्रेसअप होके आने वाले हैं, तो जितने भी प्रीशा के क्लासमेट्स हैं तो सब आपको दिखाऊंगी मैं कैसा ड्रेसअप होके आ रहे हैं। तो आज इनके स्कूल में डांडिया फंक्शन है, तो उसी के लिए इनको ऐसे ड्रेसअप होके जाना है। तो चलो चलते हैं वहां पर, मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। उधर देखो, स्माइल, मम्मा चल रही है साथ में। स्माइल करो पहले, प्रीशा प्रीशा स्माइल। नमस्ते। अरे वाह, स्माइल करो पहले, हर्षो स्माइल। वाह जा रही हूँ प्रीशा को लाने, तो देखते हैं वो कैसी, क्या क्या हुआ है उनके स्कूल में, देखते हैं। तो चलो चलते हैं। आओ। तो मैं प्रीशा को लेके आ गई हूँ, और प्रीशा की मैम बोल रही थी कि प्रीशा ने गरबा भी किया है ना प्रीशा? देखो इसमें प्रीशा ने गरबा करी आज। अरे खोलना है, चोटी निकाल दूँ? ठीक है निकाल दूँ। तो प्रीशा ने आज क्या करी थी? गरबा। वाह सुंदर। तो चलो अब मैं अपना खाना बनाती हूँ, और आज आज भी फास्ट है, तो चलो खाना वाना बनाती हूँ मैं, मेरा फलहार का खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली को रोस्ट करके उसके छिलके निकाल लिए, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखो मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, और मैं आज बना रही हूँ साबुदाना वड़ा। तो जैसे मैं साबुदाने को भिगोती हूँ, बस वैसे ही मैंने भिगोए थे इस टाइम पे भी, और ये मैं अभी चेक कर रही हूँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो इसमें अब मैंने वो सेंग दाने का मिक्सचर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चीनी जितनी मैं डाल रही हूँ बस इतनी ही, फिर थोड़ी लाल मिर्च और नींबू, आधा नींबू इसमें डाल देना है। इसके बाद में हम लेंगे दो उबले हुए आलू और इसको इसी तरीके से हाथ से मैश करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला सब कुछ अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो देखो मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और अब हमें लेना है एक खाली प्लेट, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी। अब पानी को एक हाथ में इस तरीके से लगाएंगे और ये मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हमें राउंड शेप बनाना है। तो पानी अगर हम लगा लेंगे तो हमारे हाथ में ये चिपकेगा नहीं, और इस तरीके से हमें ये राउंड शेप दे देना है पहले, और फिर उसको थोड़ा सा प्रेस करके जैसे टिक्की का शेप होता है इस तरीके से हमें थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, तो ये प्रॉपर शेप अच्छा दिखेगा। तो इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं। तो ये देखो मैंने सारे बना के पहले प्लेट में रख लिए हैं और ऑयल गरम करने रख दिया है, और अब हमें इसे दो दो करके या तीन तीन करके जितने भी हमारी कढ़ाई में आ पाए उतने ही डालना है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे। और इसे डालते ही तुरंत चम्मच नहीं लगानी है, नहीं तो ये चम्मच पे भी चिपकेंगे। इसे आधा मिनट या एक मिनट तक का ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद में हम इसे पलटेंगे। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ये साबुदाने वड़े बनते हैं। तो पहले साबुदाना वड़ा बना लेते हैं ऐसे ही सिंपल तरीके से, बस तलना है। तो सारे मैं तल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। तो ये देखो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इस टाइम पे इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। तो टिश्यू पेपर पे निकालने से इसका सारा ऑयल निकल जाएगा और ज़्यादा ऑयल नहीं रहेगा जब आप खाएंगे इसे। अब हम बनाएंगे धनिया की चटनी, क्योंकि साबुदाना वड़ा के साथ में धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए धनिया, हरी मिर्च। तो धनिया हरी मिर्च को हमने ग्राइंडर में डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, दो चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है इसमें, और अब सेंधा नमक, थोड़ी सी चीनी, और लास्ट में डालेंगे आधा नींबू। तो बस इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखो मेरी थाली रेडी हो गई है, मैंने साथ में लिया है दही और धनिया की चटनी। करते हैं अपना लंच, आज मैंने ये वड़ा बनाया, तो चलो लंच करते हैं। A few moments later. Bolo. Bolo. Bolo more. More. Dekho. Bolo fisher. More nahi bolo. More. Kya bola more? More button nahi gaya. Chalo. Nahi kara, dekho abhi udhar se aa raha hai. Bolo usko. देखो आ गया आपके पास। हाँ। चलो तो मोर से बात करेंगे। हाँ। बोलो मोर से बात करो। मोर कैसे किया? कैसे किया? बात नहीं करेगा वो, चला गया मोर, भाग गया। Mm-hmm.